पहले अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो भाई साहब से ही करती हूँ, तो उनका जो भी वो कहते हैं। और एक बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि मुझे लगता है कि इनके अंदर तो एक कोई संत की आत्मा ही होगी। राजस्थान को जब संभाला है ना इन्होंने, जब राजस्थान को संभाला उस समय राजस्थान को संभालना आसान नहीं था, लेकिन जब भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी को संभाला था राजस्थान में, उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, और संभाल के आज यहां तक पहुंचाया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसी बारे में ज्यादा सोचती हूं, विचारती हूं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं किसी से बात करती हूं तो भाई साहब से ही करती हूं। तो उनका जो भी वो कहते हैं, और एक बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि मुझे लगता है कि इनके अंदर तो एक कोई संत की आत्मा ही होगी, क्योंकि इतना नहीं भाई साहब सही है। राजस्थान को जब संभाला है ना इन्होंने, जब राजस्थान को संभाला उस समय राजस्थान को संभालना आसान नहीं था। नहीं, भाभी जी तो है, लेकिन जब उन्होंने संभाला वो समय ऐसा था कि संभालना आसान नहीं था, हम सब जानते हैं। आज तो चुनाव का समय है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सब जानते हैं, बहुत अच्छी बड़े बहुमत से जीत रही है। लेकिन जब भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी को संभाला था राजस्थान में, उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, और संभाल के आज यहां तक पहुंचाया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आसान काम नहीं था। तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई साहब आप ऐसे ही संभालते रहे आगे भी, समय तो आता रहता है, लेकिन आपका बिल्कुल जिस तरह से एक बिल्कुल संवेदनशील तरीके से आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और जिम्मेदारी देते हैं लोगों को, वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, नेता होते हैं, जो ये सारी बातें समझते हैं।